नमस्कार, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। ममता के गढ़ में पहुंचकर योगी ने गौ हत्या, लव जिहाद, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और राम के जरिए ममता को घेरने की कोशिश की। योगी ने राम द्रोहियों को बंगाल से बाहर करने का ऐलान किया। साथ ही बीजेपी की सरकार बनने पर लव जिहाद और गौ हत्या पर रोक लगाने का वादा भी किया। अपने भाषण के अंत में योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। योगी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो लव जिहाद पर रोक लगाएगी। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, नवा गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और नहीं लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। मालदा के मंच से योगी ने ऐलान किया कि अगर बंगाल में बीजेपी सरकार आई तो 24 घंटे में गो हत्या पर रोक लगाई जाएगी और सारे बूचड़खाने बंद करा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर
ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। सीधे कोलकाता का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। यतेंद्र, जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने मंच में माइक थामा तो सीधे तौर पर निशाना ममता बनर्जी पर, उन मुद्दों पर जिनको लेकर लगातार चाहे वो लोग हो चाहे बीजेपी हो घेरती रही है ममता सरकार को। देखिए, इसमें बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर समझनी पड़ेगी। सीधी सीधी रणनीति है क्योंकि मालदा एक ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ पर कई कई सारी जगहों पर जहाँ मुस्लिम 50% से ज़्यादा आबादी है, और जो योगी की जो इमेज है वो हिंदुत्व के नेता के तौर पर, एक फ्रेंड फायर ब्रांड नेता के तौर पर जानी जाती है। तो बड़ा सोच समझकर जो योगी की पहली रैली कराई गई ऐसी एरिया में कराई गई, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो वहाँ पर एक सीट 2019 के चुनाव में मिल चुकी है। जो उस लोकसभा के हिसाब से देखें तो जो 12 विधानसभा सीटें वहाँ पर आती हैं उसमें से 6 पर बीजेपी को बढ़त मिली है और बाकी की 6 पर तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी को बढ़त मिली है। तो ऐसे में वो बढ़त और ज़्यादा हो तो ऐसे में ज़रूरी है कि ध्रुवीकरण वहाँ पर जाए, क्योंकि जो ममता बनर्जी की जो इमेज बनी है, जो ममता जो दुर्गा पूजा को लेकर हंगामा मचाता, जो जय श्री राम के नारे को लेकर हंगामा मचाता, तो शायद बीजेपी के लिए योगी से ज़्यादा मुफीद उस एरिया में कोई और नेता नहीं हो सकता था। और शायद यही कारण है कि जब योगी ने वहाँ पर माइक संभाला तो अपनी वही चिरपरिचित पुराने अंदाज में वो नजर आए, उसी शैली में उन्होंने ममता सरकार पर नारा बोला और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा सरकार का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में राम सेवकों पर गोलियां चलाई उस सरकार का क्या हुआ, उस पार्टी का क्या असर हुआ राजनीतिक तौर पर, ये सबके सामने। तो यही हाल ममता सरकार का होगा जब उन्होंने जय श्री राम के नारों पर रोक लगाई, जब उन्होंने दुर्गा पूजा पर रोक लगाई। साथ वो सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए जो सीधे सीधे ममता सरकार को घेर सकते थे। योगी आदित्यनाथ आखिर मालदा जिले से ही अपने चुनाव प्रचार का श्रीगणेश क्यों करने जा रहे हैं? अब आपको ये जरा बता दें, आखिरकार ये मालदा अहम क्यों है? बांग्लादेश की सीमा से लगा है ये जिला। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें हैं और यहाँ 50%, जी हाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट जीती थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैष्णो नगर सीट पर कब्जा किया था। 2019 उपचुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने हबीबपुर सीट पर जीत हासिल की थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से, जहां चुनावी रैली करने गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद जब राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो अपराधी भी रहम की भीख मांगते नजर आएंगे। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में पत्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। और तब उस समय के लिए हम सबको अपने को तैयार करना होगा, सारे मतभेदों को बुला करके बंगाल को उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए, बंगाल को विकास की राह पर ले चलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बंगाल के नागरिकों को भी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बंगाल के नौजवानों के लिए भी अच्छे अवसर होने चाहिए, बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और यतेंद्र, देखिए योगी आदित्यनाथ जब इस मंच पर थे तो तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि आखिरकार मालदा उन्होंने पहली रैली के तौर पर क्यों चुना जब अंतिम 2 चरणों में यहाँ मतदान होने। देखिए, वही आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार जिसके लिए योगी जाने जाते हैं, जो फायर ब्रांड इमेज उनकी जिस कारण से बनी हुई है, मालदा उसके लिए बड़ा मुफीद है राजनीतिक तौर पर। उस जगह जो फायदा बीजेपी को मिल सकता है और खासकर 2019 जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था,
तो ऐसे में बड़ा मैसेज जाता है क्योंकि बंगाल बॉर्डर से वो जुड़ा हुआ है मालदा, और जो वहाँ पर जो आबादी है कई कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो ऐसे में जो वोट बीजेपी का जो वोट हो सकता है, जो कैडर जिसको ध्रुवीकरण कर सकता है, तो ऐसे में योगी से बड़ा चेहरा, योगी से अच्छा चेहरा, उससे मुफीद चेहरा कोई नहीं हो सकता था। और शायद यही कारण है कि योगी की जो पहली यात्रा, जो पहली जनसभा रखी गई, वो मालदा में बड़ी सोच समझकर बड़ी सटीक रणनीति के तहत रखी गई है, क्योंकि अगर उस इलाके से मैसेज जाएगा तो बीजेपी के केवल मालदा और मुर्शिदाबाद नहीं, आसपास के और भी इलाके हैं उसमें उनका प्रभाव पड़ेगा। जो वोटर है वो ध्रुवीकरण, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसके खिलाफ वो वोट एकजुट होगा, और यही बीजेपी की रणनीति है। और शायद यही कारण है कि योगी की जो जनसभा है वो वहाँ से उस बॉर्डर वाले इलाके से शुरू हुई है, जिसका असर पूरे बंगाल में देखने को मिल सकता है। क्योंकि दुर्गा पूजा, जो मैंने पहले ही बताया, दुर्गा पूजा का असर, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा का अपना महत्व है, जय श्री राम के नारों का अपना बिल्कुल महत्व है। और देखिए, इन्हीं महत्व को समझकर बाकायदा ये रणनीति बीजेपी ने तैयार की, जिसके तहत एक से एक बढ़कर दिग्गज जो है वो चुनावी समर में कूद रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ मालदा में थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर सिर्फ टव्वल जारी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच होने वाले गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है, जिसके बाद पार्टी का कलह बाहर आया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के ISF के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी में जारी इसी अंतर कलह को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल का भी चुनाव है। ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को, यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस बनाए रखे, केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले, 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था, ये दरअसल ठगबंधन है। ट्विटर युद्ध हो रहा है, टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, कांग्रेस सेड दैट आवर क्रेडेंशियल्स वर बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, देयर ओन पार्टी पीपल हैव आस्क्ड, इज दिस महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म? This is core hypocrisy. This is utmost hypocrisy. ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है, वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है, और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो,
देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल चुनाव से पहले पार्टी में किस बात पर आखिर घमासान मचा है। वैसे तो सीटों के खींचतान की वजह से लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच गठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है। वहीं आईएसएफ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में अलग लड़ाई चल रही है, वो अंदरूनी लड़ाई है। आईएसएफ से गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस साफ तौर पर दो गुट में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये दो गुट अब अंदर ही नजर आ रहे हैं, एक ओर सोनिया गांधी के करीबी और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं जो गठबंधन के समर्थक हैं, दूसरे खेमे में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का गुट है और इस गुट में शामिल आनंद शर्मा ने ट्वीट कर बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन पर पार्टी ही पर सवाल उठाए, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि आनंद शर्मा किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अधीर जी, फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ जो बातचीत चल रही वो तो चली रही, लेकिन अपनी पार्टी के लोग, आपके लोग, आनंद शर्मा जो उपनेता हैं राज्यसभा में, वो कह रहे हैं कि शर्मनाक है अधीर रंजन चौधरी का उस मंच पे रहना। कैसे बताओ, ये बचपना क्यों कर रहे हैं पता नहीं, और हो सकता किसी के इशारे पर और किसी को खुश करने के लिए भी इस तरीके की बेबुनियाद जबान कहे जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, और ये बात यह है कि तो हमारे सहयोगी है, पार्टी के उपनेता भी है राज्यसभा की, और हमारे साथ अच्छा संपर्क भी है, रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता, इसलिए कि वो हमारे पार्टी के हैं, हमारे नेता भी हैं। अगर उनसे कुछ चीज़ बुरा लगे, उनसे अगर कुछ सवाल थे, तो एक टुक फोन करके अगर मुझसे ये पूछा जाता कि भाई ये क्या कर रहे हो, अब क्यों कर रहे हो, बजाय क्या है, तो आसानी से उनको मैं समझाने में सफल रहते। खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई देने के लिए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा सामने आए और अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का जवाब दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो कांग्रेस के भले के लिए कहा। देखिए, ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया, खासतौर पर मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को। मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूँ, सभ्यता को, इसमें शालीनता रहनी चाहिए। अगर मतभेद कभी विचार के या सोच के हों, उसको मैं व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनाता, मैं उससे हमेशा रखता हूँ। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बंगाल में अपनी पार्टी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किए जाने पर सवाल खड़े किए। आनंद शर्मा ने पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए तो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी उन पर बरस पड़े। पार्टी के फैसले को जायज बताकर अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा को कांग्रेस को मजबूत करने वाले काम करने की नसीहत दे डाली। बंगाल चुनावों से पहले कांग्रेस में विवाद, वरिष्ठ नेताओं के बीच घमासान, बंगाल में गठबंधन पर जुबानी जंग। आनंद शर्मा को अधीर रंजन चौधरी ने दी नसीहत, न झूठ न कपास और लठम लठ्ठा वाली कहावत को बंगाल कांग्रेस सही साबित कर रही है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लेफ्ट के साथ कांग्रेस जिस आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन करना चाहती है, उस पर बखेड़ा शुरू हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस मालदा और
मुर्शिदाबाद जैसी सीटों को आईएसएफ को देने से आनाकानी करती दिखी तो गठबंधन पर ग्रहण लगने लगा। लेकिन आईएसएफ के साथ गठबंधन की हलचल से ही कांग्रेस में भूचाल आ गया, अंदर की लड़ाई बाहर आ गई और कमान संभाली उसी आनंद शर्मा ने जिसे G23 का सदस्य कहा जा रहा है। आनंद शर्मा ने पार्टी के फैसले से नाराजगी जताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को चुना। उन्होंने लिखा, आईएसएफ और ऐसे दो अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी के मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है और हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट के मंच पर आईएसएफ के पीर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी को देखकर आनंद शर्मा अपना आपा खो बैठे। घर की बात बाहर आई तो मोर्चे पर बंगाल कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी आगे आए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से देने में देरी नहीं की। आनंद शर्मा जी, तथ्यों को जानिए। सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व करता आ रहा है, जिसमें कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीति और निरंकुश सरकार को हराने के लिए दृढ़ हैं। कांग्रेस को सीटों का पूरा हिस्सा मिला है। लेफ्ट फ्रंट ने अपने हिस्से से आईएसएफ को सीटें दी हैं। जो लोग आईएसएफ को सांप्रदायिक कह रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, ना कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एकजुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करें और प्रधानमंत्री की तारीफ करके वक्त जाया ना करें। शेयरिंग की जो मसला है वो लेट पार्टी के साथ हो रहा है। पिछले 2016 साल में हम लोग लेट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया था, सीट शेयरिंग भी की थी, तो इस बार भी वही सिलसिला जारी है। वो तो पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद बाकी की बात बाद में होगी। अभी क्या करेंगे हम, सीट लेफ्ट दे या कांग्रेस? बात बनी तो आईएसएफ होगा तो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का ही हिस्सा। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को आईएसएफ को लेकर आपत्ति क्यों? इसकी वजह है आईएसएफ के नेता परिजादा अब्बास सिद्दीकी की नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुखर विरोधी तो रहे ही हैं। इसी चक्कर में वो कई तीखे बयान भी दे चुके हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन पर 50 करोड़ भारतीयों को वायरस से मारने के दावे को लेकर आरोप लगे थे। सिद्दीकी बंगाल में मुसलमानों के बहुसंख्यक होने की भी बात कर रहे हैं। बदली राजनीति में कांग्रेस के कई नेता अब पार्टी को तुष्टीकरण और नफरत की राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि इस विवाद में अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस के खिलाफ एक और नेता जितिन प्रसाद का साथ मिल गया। जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया, गठबंधन के फैसले पार्टी और कार्यकर्ताओं के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब सभी को साथ मिलकर चलने का वक्त है और चुनावों से जुड़े राज्यों में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता आनंद शर्मा के सुर में सुर मिलाते दिखे। तो आनंद शर्मा जी, ठीक है कि कोई ऐसी पार्टी जिसका सांप्रदायिकता से संबंध रहा हो उससे अगर हम कोई संबंध करें तो उससे परहेज रखना चाहिए या फिर बातचीत करके होना चाहिए। बंगाल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर का घमासान बाहर आ चुका है। ऐसे वक्त में जब हर पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में जीत की रणनीति बना रही है, रैलियों का रेला शुरू हो चुका है, कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से बाहर नहीं निकल पा रही है। उधर हाथरस हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने किसान का अंतिम संस्कार कर दिया है। कल हाथरस में किसान की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों ने किसान की हत्या कर दी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में गांव के लोग भी पहुंचे और बेटी ने भी अपने पिता को कंधा दिया। काउंटर चाहिए,
मरो। दरअसल कल यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक जिस समय 52 साल के किसान को गोली मारी गई, उस समय वो अपने खेत में काम कर रहा था और बेटी के साथ पत्नी भी मौजूद थी। परिवार का दावा है कि जुलाई 2018 में 52 साल के किसान ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था और 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी गौरव 15 दिन जेल भी रहा। इसी के बाद से दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। परिवार का आरोप है कि जिस समय किसान खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे, उसी समय गौरव अपने साथियों के साथ आया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। किसान के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर एक आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उस पर NSA के तहत भी कार्रवाई की गई। परिवार का आरोप है कि आरोपी ने पहले ही फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चीड़ के मेरे पापा को गोली मारी। हम इस वक्त हाथरस के नौजरपुर गांव में हैं और हम इस वक्त उसी खेत पर हैं जिस खेत में एक दिन पहले यानी सोमवार की दोपहर को मृतक अमरीश पर गौरव नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ गोलियां बरसाई थी। जो मृतक यहां पर अपने खेत में आलू की बोरियां यहां पर भरवा रहे थे, उसी दौरान ये बताया गया कि जो मृतक की बेटी है वो यहाँ पर पहुँची थी खाना देने के लिए अपने पिता को, और उसी दौरान आरोपी गौरव यहाँ पर आया, उसके साथ कुछ साथी भी उसके साथ थे जो 5 से 6 की संख्या में थे और ये सभी इसी जगह पर आकर, वो सामने आपको ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर बातचीत का दौर चला, क्योंकि जो आरोपी है गौरव उसके खिलाफ 2018 में भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था और मृतक की बेटी ने उसके खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था और इसी वजह से उसी केस के सिलसिले में समझौता बनाने का दबाव यहाँ पर वो चाहता था कि एक बनाया जाए और मृतक के ऊपर लगातार वो यहाँ पर बहस कर रहा था। जब मृतक अमरीश शर्मा इस पूरे मामले में उसे बेकसूर ही बताने लगे तो उसके बाद वो इतना जोर से चिल्लाया, गुस्सा हुआ और उसके बाद उसने अपने पास निकाल कर हथियार जो निकाला उसके बाद उसने ताबड़तोड़ फायर अमरीश शर्मा के ऊपर कर दिया और इसी जगह पर अमरीश शर्मा के ऊपर फायर करने के बाद उसने यहाँ से वो तुरंत अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया, जिसके बाद अमरीश शर्मा को अस्पताल ले आया गया लेकिन उनकी मौत हो गई क्योंकि उन्हें कई गोलियां मारी गई थी। मृतक की यहां पर कई लोग जानकार थे जो चश्मदीद थे और मृतक की बेटी ने जो पुलिस को आरोपियों के नाम भी बताए हैं, जिसमें एक गौरव जो काफ़ी यहाँ पर दबंगई यहाँ पर दिखाता है ये कहा गया है, साथ ही उसके साथ कई ऐसे लड़के थे जो उसका साथ देने यहाँ पर आए थे, सभी की यहाँ पर तलाश की जा रही है, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी गौरव है अभी भी नहीं पकड़ा गया, साथ ही उसके साथ ही यहाँ पर पकड़े जाने हैं। वहीं एक शख्स की यहाँ पर गिरफ्तारी पुलिस ने दावा किया है कि उसकी की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या तफ्तीश है, इस पूरे केस की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार दबिशें रात भर चल रही हैं। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके ऊपर की कानूनी कार्रवाई एक नज़ीर बनेगी। किसान की बेटी का आरोप है कि हत्याकांड वाले दिन सुबह भी आरोपी गौरव के साथ विवाद हुआ था और आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करते हुए पुराना केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया था। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वही पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे, उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया, उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने, फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया, तब ये लोग वहाँ से चले गए धमकी देती हुई इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी, इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। हाथरस हत्याकांड के चश्मदीद के मुताबिक हत्या से पहले कई राउंड हवाई फायरिंग की गई ताकि दूसरे खेतों में काम कर रहे लोग वहां से भाग जाएं। इसी चश्मदीद ने हत्याकांड के बाद एम्बुलेंस को फोन भी किया था। चश्मदीद का दावा है कि आरोपियों ने उसके ऊपर भी फायरिंग की थी।
हाथरस के नौजरपुर गांव का एक पथवारी मंदिर है, पथवारी माता का मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, इस मंदिर के आसपास कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि आलू की खेती यहाँ पर इस वक्त तैयार है और आलू को बोरियों में भरने का काम होता है। और जिस वक्त ये पूरा वाकया हुआ, इस पूरे घटनाक्रम के एक चश्मदीद गवाह यहाँ पर हमारे साथ हैं और न्यूज़ 8 इंडिया में हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था ये बताइए, और कितने बजे का समय था, कितने लोग थे? सवा तीन चार लोग थे। पूरा खेत घिर गए थे पलंग से। पहले तो उनसे पामरा भजा गए, पहले तो पामरे से वो भजाई थे, जो लेबर आलू बीन रही थी वो भजाई थी, गाड़ी दूंगा भाजो यहाँ से, वो भजाई थी लेबर। फिर उन पर तबाह फायरिंग करी, उन्होंने कोई बात नहीं की, फायरिंग करी बस जाइए। कितने राउंड फायर हुए थे? 15-16 बार फायरिंग हुई, 15-16-20 हुए तो कोई मालूम नहीं पड़ रही है। एक ही गौरव कर रहा था और नहीं, चारों कर रही, चारों कर रही, चार लोग थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो भाजे, उन्होंने ख़त्म करके नहीं आया। जब भाजे, जब मैं आलू पर खड़ा था, वहाँ पर मैं फ़ोन कर रहा था 112 नंबर पर, तो वहाँ फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मुझे धमकी दी फ़ोन कहाँ कर रहा है। फिर मेरे माँ फायरिंग करिए, फायरिंग पर उन्होंने ऊपर खोले नहीं है, मैं वहाँ जा पा रहा हूँ, तो चले गए भाजे भाई। अब हाथरस में छेड़छाड़ के विरोध में किसान की हत्या के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने के निर्देश दिए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई। कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिनमें से 2 अज्ञात है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा भी दी गई है। पहले दिन से कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि किसी भी प्रकार की कोई घटना को अंजाम देगा, वो भी बहन बेटियों के मामले में, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितनों बड़ा कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, वो बहुत देर तक कानून से बच नहीं सकते। हाथरस में छेड़छाड़ के विरोध में पिता की हत्या के मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सुब्रत पाठक के मुताबिक हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, जिसका नाम गौरव है। इतना ही नहीं, सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी बन गई है और समाजवादी पार्टी में ही इस तरह के लोगों को संरक्षण मिलता है, लेकिन योगी सरकार किसी भी आरोपी को छोड़ेगी नहीं। हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और हत्या करने का कारण सिर्फ यह है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बनाकर के मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। गौरव नाम का यह नेता है। देखिए, ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने राजनीतिक जमीन खो दी है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और जब कभी भी मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की साजिश करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सफलता इनसे पच नहीं रही है। 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है, 1 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उनके ऊपर NSA लगाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा, जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बीजेपी ने हाथरस हत्याकांड के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी ट्वीट किया। बीजेपी के शलभमणि त्रिपाठी का ट्वीट है और ये वीडियो 24 फरवरी का विधानसभा का वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। अन्नप्राशन के लिए
छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको ऑपरेशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और। अच्छा, मैं इधर उसको ऑपरेशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। तो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। वही हाथरस हत्याकांड पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद जवाबी हमला किया। हत्याकांड के आरोपी को एसपी नेता बताए जाने पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने में माहिर हैं। अखिलेश के मुताबिक एसपी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं, ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी का होगा दूसरी पार्टी का मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। हाथरस में दिन दहाड़े एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मुकदमे को वापस लेने के लिए दरअसल ये जो आरोपी हैं लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन जब मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आरोपियों ने परिवार की मौजूदगी में ही खेत में काम कर रहे किसान की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए। हाथरस में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। परिवार के सामने खेत में किसान की हत्या। 4 अज्ञात व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश। दहाड़े मार कर रोती ये उस बेटी की आवाज है जिसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। ये उस बेटी की आवाज है जिसकी माँ का सिंदूर एक झटके में उजाड़ दिया गया। हाथरस से आई इस दिल दहला देने वाली वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़ित परिवार अपने खेत में मौजूद था। इसी वक्त गौरव नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। घायल किसान का अस्पताल में इलाज हो पाता कि उससे पहले उसकी सासों ने जवाब दे दिया। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिड़के मेरे पापा को गोली मारी। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात ने प्रशासन के अमले में हड़कंप मचा दिया। लिहाजा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एक्शन में आई पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ललित शर्मा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। दरअसल जिस हत्याकांड की वजह से हाथरस के परिवार में मातम परसा है उसकी कहानी साल 2018 से जुड़ी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी साल गौरव नाम के शख्स ने
मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। उस दौरान आरोपी 15 दिन की जेल में भी रहा था। उसके बाद से अब तक लगातार पीड़ित परिवार पर केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन तमाम धमकियों के आगे न झुकने की कीमत पीड़ित किसान को अपनी जान गवा कर चुकानी पड़ी। सीने में 2-3 गोली मारी और फिर देखा है, चेक किया कि वो मरे हैं कि नहीं मरे, फिर दोबारा सर में गोली मारा है। पूरा अभी भरोसा है, जैसे पुलिस की कार्रवाई हुई है 24 घंटे में जैसे काम किया है पुलिस ने, और हमें जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे ही उसके साथ होना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है सरकार पूरा हमारी मदद करेगी। इस घटना में कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिनमें से 4 नामजद आरोपी हैं, जबकि 2 अज्ञात हैं। अपनी शिकायत में पीड़ित बेटी ने वारदात की आंखों देखी तस्वीरें बयां की हैं। FIR में लिखा है, गौरव ने कहा मुकदमा वापस ले लो और लड़की से फैसला करा दो। मेरे पिता कुछ कह पाते इससे पहले ही उसने अपने हाथों के लिए हथियारों से पिताजी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी गौरव समाजवादी पार्टी का नेता है, जो लगातार पीड़ित परिवार को छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है, ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। कि किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। इस वारदात में समाजवादी पार्टी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी मुखर हो गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है, साथ ही ये दावा भी किया है कि यूपी सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने वाली नहीं है। हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और हत्या करने का कारण सिर्फ यह है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बनाकर के मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। जिन लोगों ने राजनैतिक जमीन खो दी है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और जब कभी भी मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की साजिश करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सफलता इनसे पच नहीं रही है। फिलहाल इस मामले में 4 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जबकि पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बीजेपी का हर बूथ मजबूत मिशन के साथ आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने जयपुर में रोड शो किया। जेपी नड्डा के इस जयपुर दौरे पर बंगाल चुनाव का कनेक्शन भी दिखाई दिया। जेपी नड्डा ने जयपुर के कालीबाड़ी मंदिर जाकर पूजा भी की, बंगाल के रहने वाले लोगों से मुलाकात भी की। नड्डा ने बिना किसी का नाम लिए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि सभी नेता आत्मविश्लेषण करें कि पार्टी को वो कितना योगदान दे रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के अंदर कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचे हैं। ये कालीबाड़ी मंदिर बंगाली समुदाय की आस्था का प्रतीक है, और अब इस वक्त जेपी नड्डा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और यहीं पर बड़ी संख्या के अंदर बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, प्रवासी बंगाली हैं, वो रहते हैं यहाँ काम करने वाले जयपुर के अंदर, और उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बंगाल में चुनाव है, जाहिर तौर पर इसका कनेक्शन समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब वो जयपुर यात्रा पाए तब भी बंगालू समुदाय से मिलना नहीं मिले। देखिए कि शंख बजा क्या 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 यहाँ पर नड्डा जी आए मिलने के लिए? आप बंगाल से ताल्लुक रखती है? अच्छा लग रहा है आपसे मिलने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, उनको शंख धनी करके उनको अभिनंदन जना रहे। संघ के माध्यम से अभिनंदन, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा काली मंदिर दर्शन करने के लिए नड्डा जी आ रहे हैं, तो हम सबको बहुत खुशी हो रही है।
बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए रोबोट किट को, वो बच्चा जो लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए रोबोट बना रहा है। दिल्ली में रहने वाला 14 साल का शौर्य भसीन अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक ओलंपियाड का विजेता है। उसकी टीम रोबो चैंप्स ने सबको धूल चटाते हुए खिताब जीता। शौर्य ने कबाड़ के सामान से बेहद सस्ता पानी और हवा को शुद्ध करने वाला प्यूरिफायर बना डाला। लोगों ने समझाया कि उसे पेटेंट करवा लो, लेकिन शौर्य ने साफ मना कर दिया। उसका मानना है कि सब लोगों को ऐसे आविष्कार को मुफ्त में इस्तेमाल करने की आजादी होनी चाहिए। अब ये बच्चा नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली एक छड़ी भी बना रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ पहला लेगो लीग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी जीत चुका है। 6 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण रोबोट किट से, जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।